दो तीन वीडियो बनाई है कि मेरे मदद करने वालों के साथ क्या हुआ है। अब मैं आगे की आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे साथ पुलिस ने कैसा व्यवहार किया, जो मैंने अपनी वारदातें जो मेरे साथ नमस्ते दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी वीडियो देखे हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली दो तीन वीडियो बनाई है कि मेरे मदद करने वालों के साथ क्या हुआ है, अब मैं आगे की आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे साथ पुलिस ने कैसा व्यवहार किया, जो मैंने अपनी वारदातें जो मेरे साथ क्राइम घटा उस जगह को मैंने दिखाया तो वहां पर क्या किया। मैंने वो हर जगह दिखाई कि मेरे साथ जहां जहां वारदात घटी, जहां पे भी जो भी जगह थी, वो एक जंगल है, कुआं ट्यूबवेल, वो घर, वो सब जगह दिखाई। हाँ, ट्यूबवेल का थोड़ा सा मैं समझ सकती हूँ क्योंकि उस वक्त मुझे पूरी रात एक बेहोशी के तरह से, जैसे कोई भी मेडिसिन के जरिए रखा गया, लेकिन मैंने फिर भी बताया कि यहाँ पर था वो ट्यूबवेल, यहाँ पर था जो मुझे रखा गया, फर्स्ट टाइम उस पर लाया गया था, वो जगह मैंने दिखाई, वो घर दिखाए जहां पर मुझे दो घरों में रखा गया, वो जगह दिखाई जो जंगल था पूरा, जहां पर हाईवे की बनने की तैयारी चल रही थी, मिट्टी के ढेर थे, मैंने पुलिस को वो सब दिखाया। सब कुछ दिखाने के बाद सन 2017 में पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट देते हुए वाह कर दिया कोर्ट में कि जो जगह है हाईवे बनने की जो जगह है उसके पास में एक कॉलेज है, और तो घटना घटित नहीं हो सकती। और दूसरा बताया गया है उसमें कि जो मैंने जो है राज जो मेरे हस्बैंड जो आर्मी में है उनके साथ शादी कर ली और फिर डीवी केस डाल दिया, और जो वो कौन सा होता है जो ये डीवी में जो भी आप समझ गए होंगे, तो वो दहेज वहेज और वो परेशानी वो वाला केस डाल दिया, और ऐसा कोई केस के लिए बदले के लिए ऐसा कर दिया, तो ऐसा कुछ बोल दिया गया वहां पे घटित में। दूसरा, वहां पर जो है जो जगह मैंने पहले दिखाई कि चाय की दुकान थी, वहां भी बोल दिया गया यहाँ कभी कभी कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है, और इस तरह भी मुझे बता दिया गया। और वहां पर कोई वो उस नाम का कोई आदमी ही नहीं था जो चाय वाला था, इस तरह का कोई आदमी ही नहीं था, ऐसा कुछ बता दिया गया। ऐसे कुछ चीजें देते हुए और कर दिया मेरा। मैंने जब वो पेपर आए मेरे पास, मैंने उनको पढ़कर देखा, पढ़ने के बाद बड़ा अफसोस हुआ पुलिस की कार्रवाई पर कि सच्चा है बहुत औरतें कभी कभी ऐसी घटनाओं का जिक्र नहीं करती, खुलकर सामने नहीं आती है, क्यों घुटन में जीती हैं। मैंने आज अगर हिम्मत की तो मेरी हिम्मत का ये है कि मुझे ही टॉर्चर होना पड़ रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बच्चे को चाहे खाना खिला रही हूँ नहीं खिला रही हूँ फिर भी मैं तारीख पे जा रही हूँ, मैं कुछ करूं या ना करूं घर में, मैं चाहे हम मतलब किसी भी हाल में जी रहे लेकिन तारीखों पे जाना है। 1 तारीख का राजस्थान का खर्चा 10 से 12 हजार रुपए खर्चा हो जाता है। अगर आप किसी को साथ भी ले जा रहे हो तो उसका खर्चा तो आप ही करोगे, अगला तो नहीं करेगा, वरना कोई 1 तारीख पर जाएगा दूसरे पर जाएगा नहीं। मतलब इतने बुरे हालात क्यों किया गया ऐसा, ये भी मैं आपको बताऊंगी, एक वीडियो में जरूर डालूंगी कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। मेरे को वो रिपोर्ट पढ़ के बड़ा दुख आया उनकी पूरी छानबीन पर कि अच्छे से एक बार छानबीन कर लेते। खैर कोई बात नहीं, मैं बताना चाहूंगी आपको ये क्यों हुआ। जो आर्मी वाले हैं ये, इन्होंने मेंटेनेंस जो मैंने बताया केस दिल्ली में चल रहा मेंटेनेंस को लेकर, देखिए डीवी का जो ये जिस तरह से ये बताया गया है कि जो दहेज पड़ता है इस तरह का कोई केस है, ऐसा कोई केस नहीं था जी, नहीं केस मैंने डाला ही नहीं थे, केस तो उन्होंने डाले थे मेरे ऊपर, 2 केस उन्होंने डाले थे मेरे ऊपर, फिर मैंने केस लिए डाला था उसके बाद, मैंने तो कोई केस ही नहीं किया था, ये मेंटेनेंस का भी नहीं किया था, ये भी मैंने बाद में डाला है, और वो लोगों ने इस तरह की बातें कर दी।
बल्कि मैंने जब ये केस किया था राजस्थान वाला, जब FIR जिस तरह, उसके बाद तो उन्होंने दूसरे दिन एक केस डाल दिया था कि हमें साथ रखना है इसको, मैं साथ रखना चाहता हूँ। मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी कि ये मेरे साथ ऐसा क्लोज रिपोर्ट क्यों दिया गया, इसमें कौन सी क्या कहानी है, इतनी सब करने के बाद पुलिस ने ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों किया है। आप वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्ते।